तो सॉल्व सुना आज के नए वीडियो में दोस्तों। तो कैसे बहुत दिन दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लेके आए। तो कैसे आज के वीडियो में स्प्रिंट करने वाले हैं। तो वैसे आज का स्प्रिंट काफी खतरनाक होने वाला है दोस्तों, इसलिए हम इसमें सेफ्टी के लिए ग्लव्स पहनने वाले हैं। तो दोस्तों आप ऐसा घर पे बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम हाइड्रोजन गैस निकालने वाले हैं। दोस्तों हम देखने वाले आज के वीडियो में कैसे दोस्तों हम हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो दोस्तों काफी कमाल के होने वाले, मुझे पता है दोस्तों ये हमारा जो आइडिया दोस्तों ये काम कर पाता है फिर नहीं दोस्तों। तो गाइस आज की वीडियो काफी कमाल के होने वाले दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में पूरा इंटेक बन रही है। चलिए गाइस हमारे आज की नए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने खाली बोतल ले लिया है दोस्तों, नॉर्मल से कोई बोतल है, इसमें मैंने दोस्तों आधा बोतल कम से कम पानी भर के रखा है। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं इसमें अभी ऐड करने वाले कॉस्टिक सोडा, वैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का दोस्तों यही कॉस्टिक सोडा दोस्तों, काफ़ी खतरनाक दोस्तों चीज़ है कॉस्टिक सोडा। तो गाइस काफ़ी खतरनाक है दोस्तों कॉस्टिक सोडा, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के रखा है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों वीडियो के, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के रखा है। काफ़ी खतरनाक होता है दोस्तों कॉस्टिक सोडा दोस्तों, ये कोई भी प्लास्टिक या किसी और चीज़ को जला देता है गाइस, काफ़ी खतरनाक चीज़ है दोस्तों कॉस्टिक सोडा। आप ऐसा घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए दोस्तों। बस गाइस हमारे आपको वीडियो को देखिए और एक लाइक कर दें दोस्तों वीडियो को। चलिए दोस्तों इसमें एक चम्मच दोस्तों कॉस्टिक सोडा ऐड करने वाले, चलिए इसमें हम एक चम्मच कॉस्टिक सोडा दोस्तों ऐड करते हैं। तो गाइस हम इसमें ऐड करने वाले दोस्तों हम एल्युमिनियम फॉइल, तो गाइस हम इसमें एल्युमिनियम फॉइल को छोटे छोटे से गोले करके ऐड करने वाले उसमें। तो दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह से ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर, तो दोस्तों इस तरह से ऐड करना है हमें। अभी गाइस हमने इसमें ऐड कर लिया हमारा एल्युमिनियम फॉइल, दोस्तों इसमें दो ही चीज ऐड करना था कॉस्टिक सोडा एल्युमिनियम फॉइल। अब गाइस हम इसमें वेट करने वाले 5 से 10 मिनट का, उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऊपर फायर लाकर देखने वाले गाइस में से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो चलिए गाइस हम इसमें वेट करते हैं 5 से 10 मिनट का। तो गाइस 5 से 10 मिनट दोस्तों हो चुके हैं दोस्तों, अब हम इसमें टॉप पे फायर लाकर देखने वाले गाइस में से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो गाइस इसमें दोस्तों कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा दोस्तों, मैं सोचा था दोस्तों इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस की फ्लेम निकलेंगी, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर बोतल की कैप रखता हूँ दोस्तों, फिर देखते हैं दोस्तों 5 से 10 मिनट बाद क्या इसमें से हाइड्रोजन फ्लेम निकलती है फिर नहीं। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट दोस्तों मैंने इस बोतल को बंद रखा, अब हम इसके ऊपर कैप हटा के देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर फायर लगा के देखते हैं इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो दोस्तों अभी भी हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही इसके अंदर से। तो गाइस अभी भी दोस्तों हमारी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है गाइस, मैं इसमें 10 मिनट तक कैप और बंद रख के देखने वाला दोस्तों 10 मिनट के बाद क्या इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो दोस्तों यार अभी भी दोस्तों इसके अंदर जो कॉस्टिक सोडा और एल्युमिनियम फॉइल का रिएक्शन हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है दोस्तों, आपको तो सुनाई नहीं देंगी पर मैं इसको सुन सकता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ गाइस ये बॉटल गाइस बहुत गर्म हो रखी है गाइस, मैंने इसमें ग्लव्स पहना है इसलिए मैं इसको पकड़ सकता हूँ। तो गाइस यार ये बॉटल बहुत गर्म हो रखी है, इसके अंदर पानी गाइस ये बहुत गर्म है। तो गाइस दोस्तों बॉटल जो गर्म हो रखी है दोस्तों ये सब कॉस्टिक सोडा वैसे होता है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ गाइस कॉस्टिक सोडा दोस्तों काफ़ी खतरनाक होता है हमारे लिए। तो गाइस आप इसे बिना ग्लव्स पहने हाथों में नहीं ले सकते दोस्तों, आपके हाथों में दोस्तों बहुत डेंजरस होता है दोस्तों कॉस्टिक सोडा, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन के रखा है। और गाइस जो आप पीछे वीडियो देख रहे हो गाइस मैंने इसमें चेक किया 10 मिनट बाद क्या इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो गाइस 10 मिनट बाद इसमें अंदर से हाइड्रोजन गैस नहीं निकली थी। तो दोस्तों यार ये जो ट्रिक और एक्सपेरिमेंट है उसको हाइड्रोजन गैस निकालने का दोस्तों, मैंने इसको बहुत बार देखा और दोस्तों पढ़ाई हुई कि इस एक्सपेरिमेंट से दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए क्या इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना इसको आपको दिखाया जाए क्या इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है फिर नहीं, इसलिए गाइस मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके देखा क्या दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट काम कर पाता है फिर नहीं। मुझे पता था गाइस यार एक्सपेरिमेंट काम कर पाता है फिर नहीं, मैंने कहा जैसे फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखा आपके सामने, हो सकता है यार ये एक्सपेरिमेंट फेक हो या फिर गाइस मेरे से कोई गलती हो गई इसलिए एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकालने की। तो बस गाइस आज के वीडियो के बस इतना ही, वीडियो पसंद दोस्तों वीडियो का एक लाइक जरूर से कर देना, वीडियो में काफ़ी मारे लगते हैं दोस्तों इसलिए वीडियो का एक लाइक जरूर से कर देना। हमारे चैनल पे दोस्तों ऐसे मस्त मस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मतलब किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद जय भारत।